अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत में इसे लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, हमने उस समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि आज जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की ही तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। साथियों, आयुर्वेद से जुड़ा एक और पक्ष है जिसका जिक्र मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जरूर करना चाहता हूं। ये आने वाली सदियों में आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार, एविडेंस को, प्रमाण को माना जाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो मेडिकल डेटा है, जो शोध है, जो जर्नल्स हैं, हमें उन सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना है। भारत में बीते वर्षों में इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए
हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों ने भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी, सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आए, कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें। भाई और बहनों, आयुर्वेद की एक और ऐसी खूबी है जिसकी चर्चा कम ही होती है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर मैं आधुनिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके आपको बताना चाहूं तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी की बेहतर से बेहतर कार खरीदें, उस कार के साथ उसकी मैनुअल बुक भी आती है, उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, कब और कैसे सर्विसिंग करवानी है, कैसे रखरखाव करना है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर डीजल इंजन कार में पेट्रोल डाल दिया तो गड़बड़ तय है। इसी तरह आप अगर कोई कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें उसके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक काम करने चाहिए। हम हमारी मशीनों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कैसे खाना, क्या खाना, कैसा रूटीन, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। यही आयुर्वेद की खूबी है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। ये मंत्र जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सार्थक है, उतना ही प्रासंगिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी है।
आज आयुष के क्षेत्र में असीम नई संभावनाएं जन्म ले रही है। आयुर्वेदिक हर्ब्स की खेती हो, आयुष मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो, डिजिटल सर्विसेज हो, आयुष स्टार्टअप के लिए इनमें एक बड़ा स्कोप है। भाइयों और बहनों, आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं।